रहे हैं भाई शॉप पे। बारिश वाश बहुत मजे की बारिश हुई है अचानक से और कंटिन्यूसली कब से तो बारिश चल रही है। दानिश और मैं जा रहे बाइक पे, अल्लाह रहम करे क्या होने वाला आगे देखते हैं। मजे का एडवेंचर है और ये ब्लॉग बस कुछ ऐसे क्रिएटिव बन गया, कुछ को सोचा भी नहीं था कि क्या करेंगे। यानी बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं कराची के व्यू और अपनी शॉप पे भी जाते हैं। बारिश होती है तो बहुत कम होती है और जब होती है तो इतनी होती है कि पानी खड़ा हो जाता है। तो किसी मशहूर बंदे ने एक बात बोली थी कि जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। वही वाला सीन है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने इलाके से। यहाँ तक तो सूरत हाल नॉर्मल हो गई है क्योंकि कल तक तो बहुत पानी था, आज नॉर्मल सूरत हाल है। आगे देखते हैं होता है क्या। ये लालू खेत है और यहाँ इतना पानी कभी नजर नहीं आ रहा। एक चीज का ज्यादा ख्याल लगे, जो बाइक के पीछे स्लीपर लगा होता है ना, 30 रुपए का मिलता है, ये लगा लें, वरना फिर जो पीछे लोग आ रहे हैं ना उनकी ज़िंदगी हराम हो जाती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग कराची वालों से दरख्वास्त की जाती है, जब भी बारिश हो 30 रुपये खर्च कर लें अपनी बाइक के पीछे, मड स्लैब लगा दें ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। ठीक है, इस टाइम का इतना देख रहे हैं ये सारा कचरा, ये सब बारिश का पानी जो टेढ़ा हुआ ना, उसके बाद जो कचरा था सब साइडों पर हो गया है। और ये लालू के 10 नंबर के बाद जो आता है ना खाने से पहले और पीना डी से पहले, जो कि गुजर नाला यहाँ से क्रॉस होता है, ये वो मंजर है यहाँ के। आप देख लें कितना कचरा है, कितनी गंदगी है। तो ये हमारी जो सिंध हुकूमत है उनसे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि अपनी जॉब को बाकायदगी से अंजाम दीजिए, वरना हम लोग को बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है बारिशों के मामले में। देख रहे हैं जो अभी नाला आने वाला है गुजर नाला है, इसकी भी सूरत हाल आपको दिखा दें कि कितना पानी है, कितने सतह पर। पानी तो नॉर्मल नज़र आ रहा है अभी, आप देखिए पानी नॉर्मल है, पानी इतना कोई ज़्यादा है नहीं है भी, बट कचरा गंदगी आप देख रहे कितनी है, कि गंदगी हमें जीने नहीं देगी। तो यार सीन है, तो हम लोग रवाना हो रहे हैं, मौसम चढ़ा हुआ है, मौसम का कुछ पता नहीं है कब बारिश हो। दानिश भाई गाड़ी चला रहे हैं कंटिन्यू, इनकी बाइक की आपको आगे से फ्रंट से दिखा रहे हैं। दानिश और मैं दानिश को हम सलूट करते हैं इस गंदे माहौल में। दानिश बाइक चला रहे हैं, वो भी चेक पर पहन के, दानिश अब चेक करें ये कार वाला। अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए। टीना टी से जब गुजर हो रहा हो तो मज़ार है पूरी बाबा की, तो आप इनको सलाम कर दें और दुरूद शरीफ पढ़ लें, इधर सलाम तो सलाम पढ़ लें सलामकुम। तो आप यहाँ से सलाम करते हुए अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाए। ये मैं रोज़ करता हूँ ताकि अल्लाह की इबादत हो और अल्लाह के वली हैं ये और अल्लाह पाक पसंद है सच्चे में हमें रिक्स अदा करे। तो सुबह सुबह जो हम लोग कारोबार के लिए यहाँ से निकलते हैं तो बस अल्लाह ही मालिक होता है। इतना खूबसूरत मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग निकल गए गुरु मंदिर तक पहुँच गए अभी हम लोग। और गुरु मंदिर भी पानी नहीं रहा हुआ, इधर साइडों पर है गंदगी और वही आपको पता है कराची तो साइड ही लग गया है, तो साइडों में कराची में जब देखेंगे तो आपको बहुत गंदगी नज़र आएगी। अगर आप बीच से देखें, सेंटर से देखें, कराची आपको साफ नजर आएगा। तो ये सीन है, हम आपको नॉर्मल रूटीन वाले रास्ते बताने जहाँ से हम लोग रोज़ जाते हैं और आज ये पानी का वहाँ यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये वाला मसला बहुत बड़ा गंदा फेस करना पड़ता है। अभी तो मैं शॉर्ट में हूँ तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मौसम आप चेक कर रहे हैं कितना चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है क्या। हम आपको कायदा मदार के मंदिर जाएंगे कुछ ही देर में, इंतजाम लें आगे कायदा मदार के सिनेमैटिक शॉट। बारिश का एक छोटा नहीं आया हमें इधर,
स्टार्ट हो रही है बारिश आ रही है अभी, उससे पहले नहीं हुई थी। ये हमारे कदम बहुत पाक हैं कि हम उधर आए तो बारिश स्टार्ट हो रही है। रोके ना रोके पता नहीं, बट कोई देखे ना देखे तस्वीर तो देखे। देख सकते हैं यहाँ पे एक बारिश का खतरा नहीं है, रोड सूखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और आज अपना मंजिल का मकसद पूरा हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़्ज़ल। तो ये सीन है, हम यहाँ देखिए पानी है खट्टे हैं बट हम अपने रवा दवा है अपने मंजिल के। धूप भी आ गई, धूप अलग आ गई है और मौसम अलग चल रहा है, क्या कहने लड़के ना। देख सकते हैं इतनी कड़क धूप आ गई है कि सारा रोड सूख गया दो घंटे। यहाँ तो बारिश का अता पता नहीं है, धूप है भैया और बहुत धूप है, आंखों पे लग रही है। ये बिल्कुल टिप्पर सेंटर वाला रोड है, एमेजन रोड से फातमा जाना रोड कनेक्ट हो रहा है, आगे बंदर रोड आ जाएगा। उर्दू में बोले तो पुराने ज़माने में बंदर रोड बोलते थे, आप देखिए ऊपर सामने मंदिर। सिटी कोर्ट के खूबसूरत मंजर आप चेक करें अपनी स्क्रीन पे। टेक्नो सिटी से बिल्कुल बहुत नज़दीक है, फाइनली हमें आप पहुंच गए। ये सफ़र बहुत यादगार रहेगा क्योंकि एक जगह बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फिर आहिस्ता 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 करके धूप भी देखी मैंने। एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें देख ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो आपके बॉल पर आए और आप देखें, ठीक है। और अभी हम पहुँचेंगे तो फिर उसके बाद एंडिंग करते हैं, सिंपल सी एंडिंग होगी, सिंपल सा ब्लॉग है, अचानक से ब्लॉग बनाया हमने। दिस इज टेक्नो सिटी मॉल टेक्नो। मैं अपनी शॉप पे पहुंच गया हूँ, मिशन पास हो गया भाई, बाइक पे आया मस्त अभी आई भी बारिश में।